नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। खागा कोतवाली क्षेत्र उमरा गांव में शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के बाद भंडारे का आयोजन महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेशदास जी महाराज द्वारा आयोजित कराया गया, जिसके समापन के बाद आयोजक महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेशदास जी महाराज ने कार्यक्रम में विशेष रूप से मेहनत करने वाले लोगों को श्री राम जय राम पट्टी को गले में डालकर सम्मानित किया और वही पत्रकारों को भी कार्यक्रम को कवरेज कर उन लोगों तक पहुंचाया जो महाशतचंडी यज्ञ स्थल तक नहीं पहुंच पाए। उन तक पहुंचाने में अहम योगदान रहा, उन्हें भी महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेशदास जी महाराज द्वारा सम्मानित किया गया। और सभी लोगों को बता दें कि महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेशदास जी महाराज ने कहा कि आप लोगों बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो शायद इतना सरलता से इतना बड़ा कार्यक्रम उमरा गांव में करवाना इतना आसान नहीं होता। और सभी फतेहपुर जनपद वासियों को बधाई, आने वाले समय में इसी प्रकार अगर सहयोग प्राप्त होगा तो जनपद में ऐसे समाज सुधारक कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। आए सुने क्या कहा महंत पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेशदास जी महाराज ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। आइए संजय भाई। जो है रामचंद्र भगवान की जय। प्रदीप अंकुल सनी और अंकित सोनू किसी मन नहीं आओ सनी शर्मा चलिए बहुत बहुत बधाई। आप आगे आओ, नहीं रह जाइयो। हाँ बोले भाई, हाँ सब छोड़ भैया कहते हैं। अरे नहीं, सब तो छोड़ है। श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री राम। 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 माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। माता शतचंडी देवी के यज्ञ के लिए और श्रीमद् भागवत के लिए जो परिश्रम किया है, जो त्याग किया है, उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और मेरी ग्राम सभा पूरी तरीके से आभारी है। और ऐसे बच्चे जो ये बहुत होनहार बच्चे हैं, इन्होंने ये सिद्ध किया है कि हमारे इस मातृभूमि का नागरिक ये बच्चे इतने ओजमयी हैं, इतने तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं कि ये जो चीज़ ठान लेते हैं उसको करके मानते हैं। मैं इन सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन देता हूँ, इनका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने माता शतचंडी यज्ञ के लिए जो सफल प्रयोजन को कराया है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत सभी को साधुवाद और प्रेम। जैसा कि देखा जा रहा है कि ये श्री राम लिखी हुई पट्टी जी आप उनको धारण करा के सम्मान कर रहे हैं, ये किस उपलक्ष्य में? देखिए, ऐसा है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसा है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभु ने पूरे जीवन मर्यादा के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं किया है और ये राम नाम की पट्टी इस चीज़ की निशानी है कि हमारे ग्राम सभा में जो युवा बच्चे हैं, जो इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, हम इनसे ये संकल्पना चाहते हैं कि ये भी मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य ना करे, अमर्यादित काम ना करे, मर्यादा में रह करके काम करेंगे तो गांव का भी विकास होगा और गांव के विकास के साथ साथ हमारे इस पूरे ज़िले का विकास होगा। हमारे गांव से एक भी
आईएएस और आईपीएस अधिकारी अभी तक नहीं बना है। इस चीज़ की हमको बहुत बड़ा कष्ट रहता है कि हमारा इतना बड़ा गांव है और एक भी आईएएस और एक भी एमबीबीएस डॉक्टर हमारे गांव से कोई भी बच्चा नहीं बना है आज तक। हम इस चीज़ को बहुत हृदय में हमको बड़ी वेदना है। तो ये राम नाम की पट्टी दी गई है कि हमारे गाँव से कोई ना कोई आगामी भविष्य में बच्चा या बहन हमारी तैयार हो जो आईएएस बने, आईपीएस बने और डॉक्टर बने। ये हम इनको आशीर्वाद देते हैं कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, पढ़ाई बहुत अमूल्य चीज़ है। पढ़ाई करोगे तो आप आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, हमारे गांव का नाम रोशन होगा और नशा के विरुद्ध जो हमारा संकल्पना है वो भी सिद्ध हो जाएगा। लोग ये कहेंगे कि भैया फलाने का लड़का आईएएस बन गया है, अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी आईएएस बन सकते हैं। तो ये चीज़ हमने प्रभु श्री राम की जो पट्टी दी है।